माचागोरा तो अब देखा जाए तो छिंदवाड़े के बहुत बड़े क्षेत्र की लाइफलाइन है। सभी गांवों में पानी पहुंचाने का काम इस डैम के माध्यम से होगा। अगर यह रेलवे लाइन बिछती है तो शासन के भी करोड़ों रुपए बचेंगे और जो जनता उसमें सफर तय कर रही है उसका समय 3 घंटे आज बहुत कीमती होते हैं, वो समय बचेगा। छिंदवाड़ा जिले की भाग्य रेखा माने जाने वाले माचागोरा बांध में हम इस समय हैं। देर शाम का वक्त है। सांसद विवेक बंटी साहू पूरे परिवार के साथ 2 महीने बाद काफ़ी मशक्कत की चुनाव खत्म हुआ और परिवार के साथ यहाँ कुछ समय बिताने आए। सांसद जी अचानक आप हमको मिल गए, आपका IBS 24 में बहुत स्वागत है। और माचागोरा कैसा देख रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया। माचागोरा तो अब देखा जाए तो छिंदवाड़े के बहुत बड़े क्षेत्र की लाइफलाइन है। लाखों लोगों की प्यासे आज माचागोरा डैम के माध्यम से बुझ रही है। लाखों हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है और आप देखें जो हमारी सरकार ने माचागोरा डैम दी तो आज छिंदवाड़ा हमारे शहर में नहीं तो पानी के लिए हाहाकार मचता था, माचागोरा सप्लाई हो रही है, सैकड़ों गाँव में जा रहा है और आगे लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से छिंदवाड़ा, हमारा छिंदवाड़ा ब्लॉक, परासिया, बोकर ब्लॉक, चोरई सभी गांवों में पानी पहुंचाने का काम इस डैम के माध्यम से होगा। आप लगातार छिंदवाड़ा के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी परिकल्पनाएं हैं जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, स्पेशली सागर नरसिंहपुर नागपुर रेल मार्ग को लेकर आप प्रयासरत। बड़ी परियोजना है और हम तो मांग कर रहे हैं, सारी चीज़ें निकाल करके मैंने दिया हूँ। अभी रेलवे मिनिस्टर से 3 दिन पहले मिला था और उनको पूरा मैंने बना करके दिया हुआ है कि अगर छिंदवाड़ा, अगर नागपुर से इटारसी भोपाल होते हुए दिल्ली जाते हैं तो झांसी तक के ही 120 किलोमीटर का डिफरेंस है और अगर नई रेलवे लाइन बिछती है नागपुर छिंदवाड़ा नरसिंहपुर और सागर और झांसी तो लगभग इसमें 120 किलोमीटर की दूरी बचेगी, 3 घंटे का समय बचेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने रेलवे मिनिस्टर को दिया हुआ है और उन्होंने सकारात्मक बात करी है कि इसके सकारात्मक इसके आगे हमको परिणाम मिलेंगे और निश्चित तौर पर अगर यह रेलवे लाइन बिछती है तो शासन के भी करोड़ों रुपए बचेंगे, शासन का और जो जनता उसमें सफ़र तय कर रही है उसका समय 3 घंटे आज बहुत कीमती होते हैं, वो समय बचेगा और एक नया मार्ग परिवर्तित होगा। साथ ही साथ जो साउथ की लंबी ट्रेनें आती है दिल्ली जाने के लिए उनको बहुत लंबा समय लगता है तो जहां उनको 48-48 घंटे लगते हैं तो 3 घंटे के भी उनकी बचत होगी। तो गंभीरता के साथ रेलवे मिनिस्टर ने इस बात को स्वीकारा है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आगे कुछ समय में जा करके यह रेलवे लाइन बिछेगी। आप शिवराज सिंह चौहान जी से भी मिले, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात भी हुई है, आदिवासी परिवारों के बीच में पिछड़ी जातियों के बीच में भी सड़क का जाल बिछाने की बात हुई है, वो क्या है? जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष पिछड़ी हुई जनजाति के लिए जनमन योजना लाए थे जिसके माध्यम से वहाँ का विकास, चाहे सड़क हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वहाँ गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो उसके लिए सरकार ने अलग से योजना बनाई। तो हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के गांव हैं जिसमें लगभग 52 किलोमीटर सड़कें बननी है। मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मिला था और उन्होंने भी कहा है कि जल्द से जल्द उसकी घोषणा वो भी करें। मैं वापस इस डैम के ऊपर आऊँगा, छिंदवाड़ा पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी बड़ा और विस्तृत माना जाता है, इस पर क्या काम चल रहा है? देखिए प्रकृति ने छिंदवाड़े को बहुत कुछ दिया है। अगर जिस नदी में हम लोग, जो पैंच नदी में है जिसका अभी डैम में हम लोग खड़े हैं, ये आगे जाकर के करोड़ों लोगों की प्यास बुझा रही है। सिर्फ पेज नहीं, कन्हान है, दूधी नदी है, आगे हमारी बड़ी बड़ी छिंदवाड़ा ज़िले से 7 बड़ी नदियां निकलती हैं जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने का काम और सिंचाई का काम आता है। तो इसके उद्गम स्थल होने के बाद पर्यटन की दृष्टि से उसको डेवलप नहीं किया गया। हमारे यहाँ पर पतालकोट है, रातेड़ है, इतनी मनोरम वादियाँ हैं। हम लोग जाते हैं तो दूसरी जगह जाते हैं, चाहे शिमला चले जाएं या मनाली चल जाएं या दूसरी जगह जाएं, मैं बताता हूँ अगर डेवलप हुआ तो वहाँ से अच्छा मनोरम दृश्य यहाँ पर है, कितने प्राकृतिक झरने हैं। पेज नेशनल पार्क हमारे यहाँ से लगा हुआ है। तो इतने वर्षों तक के इन सब चीज़ों को भुला करके एक परिवार अपना ही विकास करते रहा
तो पर्यटन की दृष्टि से इन सभी चीज़ों को मैं चाहे केंद्र में मिनिस्टर हूँ, प्रदेश के मंत्री हों, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनके पास लेकर के जाऊँगा, इसको हम लोग डेवलप करने का काम करेंगे। ये थे छिंदवाड़ा के सांसद। कहना बड़ा साफ है कि पेज डाइवर्शन परियोजना के डैम पर वो खड़े और कहीं ना कहीं पर्यटन को लेके वो बहुत तेजी से काम करेंगे। अजय द्विवेदी, आईवीएस 24, माचागोरा, छिंदवाड़ा।